अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग क्लास विद ज़हरा बुखारी। आज हम लाए हैं ऑलमेट केक, जो बहुत मज़ेदार घर पे बन के तैयार होता है। एक दफ़ा आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ये बहुत आसानी से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं रेसिपी का आगाज़। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर न्यू अपलोड आप तक आसानी पहुँच सके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, के हाल है? ठीक हो? इंशाल्लाह आप ठीक होंगे, अल्लाह के करम नाल असी भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। अज ही बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी लैके आया, तो अज असी बनसा बदाम वाला केक, जिसनों आलमट केक भी आखद। ठीक है, तो इस दे विच असी जी हुण ला लिया बटर पेपर, इस तरह कटिंग करके, इस कटिंग किस तरह करनी, बटर पेपर रख के ना इस तरह करके ना, तो उसनों लैन ला लेने, फिर इसनों लैन ला के फिर असी इसनों चार कोने करके, जिस तरह असी गले ना कट दियाँ इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी। ठीक है, मैं डबल रखे वे, एक नीचे रखे एक ऊपर। ठीक है, ताकि साढ़े बदाम जलन ने। असी बना रहे हैं मक्खन दा, तो असी इस दी ना नीचे ला लसा मक्खन सारा, इस तरह मक्खन ज़्यादा लाना, ताकि साढ़ा सही उत्ते जड़े हैं ना बदाम वो चिपक वैन, कम नहीं लाना। अक्सर मैं वेखदी हाँ वीडियो के कम लेनिया नो, तो फिर उन्होंने जोड़े बदाम हैं ना वो जल लेंदे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये बहुत मज़े का बन के तैयार हो सी, तो जिस तरीके नाल मैं बनया सा, एक ही चीज़ मैं थोन दस सा मेरे तरीके नाल बनया, इंशाल्लाह थोड़ा भी अच्छा बन सी। तो नाल भी असी ग्रीस कर लेना सारा, जी पूरी ग्रीसिंग हो गई है इसकी, जी इस तरह ना असी हाफ हाफ कर लेना अंदरों चीर के ना, तो ना दादा कर लिया। ठीक है, इसकी असी हुण दी नाल नाल ला दसा इस तरह करके, थोड़ा वक्फे वक्फे ते थोन जिस तरह पसंद है नो, अगर तुसी बिल्कुल नाल नाल लाने तो तुसी नाल नाल ला लो, जिस तरह थोड़ी पसंद है। ये पूरे लग गए ना, हुण असी इस दे ना दरमियान च इस तरह करके ना, जिहड़ा इसका दरमियान बनता ना, ये सारा तुसी बैटर तो पहले ही है सारा काम करना, बाद च नहीं। इस ते दूसरे जिहड़ी असी करनी ना, इस ते असी काजू लसा। ठीक है, काजू भी हाफ हाफ कर लेना, एक लाइन असी काजू की ला लीए, एक साइड ते रुख रखना, ताकि एक प्यारा जिहा डिजाइन आवे इसका। तो हुण फिर असी उत्ते लैने बदाम, एक लाइन बदाम की और दसन लग सी। ठीक है, इस तरह इसके अंदर पीसे हुए बदाम है ना, ये मैं तो लंगरी चो पीसे नू, तो तुसी बेशक ग्राइंडर च पीस लो। ठीक है, इस तरह इसकी पूरी टॉपिंग कर लेता इस तरह, ये फुल साइडा ते तरह सारा ला लिया ना, तो बकाया जरा बचना वो असी निकाल लेना। ठीक है, जड़ा निकल सकिया बस हूँ असी इस फ्रिज रख देना। ठीक है, इतने इतने ताई जितने ताई असी बैटर बनाना ना, ये फ्रिज ठंडा हो गया सी जी। इस दे भी डाल दें ये ना, एक कप तो ना थोड़ा जहा कम है, तकरीबन ये 200 ग्राम है, 200 ग्राम ना मक्खन, तुसी जड़ा भी नाप लवो ना फिर उस नाल सैट करो, फिर उत्तो थोड़ा जहा बंदा ना कम कर लैंदा, सारा नहीं ना भर के डालदा। जितना मेरा मक्खन है ना इतनी ही मेरी चीनी है। ठीक है, ये भी 2 चम्मच खाने वाली कम है इस कप दे विचो, ये भी 200 ग्राम है, मक्खन भी 200 ग्राम है, चीनी भी 200 ग्राम है। इस नाल अभी मैश कर लेता सारा, इस तरह हो गया ना बिल्कुल, चीनी नहीं बस मकसद होता है, बिल्कुल एक फ्लफी जहा बन गया। इस दे अंदर डाल दें एक एक करके अंडा, पहले तोड़ के ना एक एक अंडा तोड़ के दूसरे बर्तन में ना तुसी डाल लेना, ताकि थोड़ा कोई अंडा खराब ना हो। ठीक है जी, मैं भी इसके अंदर 4 अंडे डाले, अंडे मेरे ठंडे, गर्मी है ना, अगर सर्दी होवे तो फिर तुसी रूम टेम्परेचर वाले डालो, अगर गर्मी होवे तो फिर ठंडे डालो। ठीक है जी, सारे डाल देते हैं वक्फे वक्फे नाल ना, एक एक अंडा डाल दें डालना तो उसमें फेंट दें। ठीक है, चम्मच ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है, इसे सोडा नहीं डालना। एक कप मैदा, एक कप तो तकरीबन 2 खाने वाली चमचा ऊपर ही है मैदा, इसनों घुमा लें। 170 ग्राम है मैदा,
एक चम्मच जरा बदम पीस के लाए ना उस मोल्ड के अंदर वो वाले तीन चम्मच खाने वाले जी। मेरे बेटे की सालगिरह है सैयद नवीद काजमी की, तो मेरी तरफों जी उसनू ढेर ढेर मुबारक होवे। तो जिस जिस बच्चों की अज या मेरे बहनियों की सालगिरह है उन्होंने भी ढेर ढेर मुबारक होवे। तो मेरे सारे वीवर वास्ते बहुत सारी दुआ, अल्लाह पाक लंबी उम्र देना, खुश रहो, आबाद रहो। जिस जिस की भी सालगिरह अज उन्होंने वास्ते मैं केक बना रही हाँ, तो लेकिन अज नवीद काजमी की सालगिरह है, सारे विश करया है, तो सारे दुआ देवे है कि बस जी ये इतना ही बनना वे। इस तरह मैं एक साइड पर जिसनों घुमाया ए ज़्यादा जड़ा ना पतला नहीं करना, बस इतनी है इस तरह ना जितनिया मैं चीज़ा डालियां ना उस हिसाब ना ले इतने कण सी। ठीक है, ये असी जी फ्रिज चो कट के निकाल के लै आया, इसनू थोड़ा थोड़ा करके इस दे अंदर डाल दिया वैना ता कि साढ़े जड़ी नीचे असी चीज़ा लाई हुई ना वो खराब ना हो। टैप टैप कर दसा ता कि इस अंदर कोई हवा आए ना तो निकल वे। असी ना इस नीचे थोड़ी तेज़ है आँच रखी, दरम्यानी नहीं है, तो रख दिता स्टैंड हो ये अला। अगर थोड़े को स्टैंड नहीं है इस तरह की स्टील की प्लेट इस तरह करके रख लो, अगर वह भी नहीं है तो हेडे हेडे तीन रोड़े लैके पत्थर दे तीन जावा रख के। सिर्फ मेन मकसद है कि इस जड़ा मोल्ड ना इसका नाल टच नहीं होना चाहिए, वो वाला रख लो। ठीक है, तो इस पतीले की टाइमिंग तुसी सैट कर ले के 40 मिनट ते तुसी चेक करना या 30 मिनट ते। ठीक है, अगर नहीं होता थोड़ा घंटा भी लग सकता, डेढ़ घंटा भी लग सकता, परेशान नहीं होना। इस बिल्कुल दम वाली आँच पर पकाना है, बिल्कुल स्लो आँच पर पकाना, पहले एक मिनट तेज आँच रखनी उस तो बाद स्लो आँच कर देनी। ठीक हो गया, तो अवन की टाइमिंग है इसकी 130 डिग्री पर तुसी बनाना है 40 मिनट ते। उधर भी अवन ते भी तुसी इसे तरह चेक कर ले आए ते नाल, फिर अगर वो नहीं होंदा ते तुसी फिर थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा भी लग सकती जी। इसनों ख्याल नाल रखना ता कि पतीला गर्म है हल्का हल्का ते थोड़े हाथ न जलन। ठीक हो गया, इसनों बंद कर देने हाँ। एक मिनट आँच तेज ही रहा सी उस तो बाद असी स्लो कर दे सा, ते इस दे उत्ते असी कपड़ा डाल देने हाँ ता कि इसकी गरमैश बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक हो गया, तो हूँ असी 30 मिनटा ते या 40 मिनट ते चेक कर ले सा। देखते हाँ सूरत हाल केक दी, माशाल्लाह जी क्लीन आई है, दरम्यान इचो चेक करनी आती। ठीक है, इसनों निकलद कलर भी प्यारा जि आ गया नाल नाल। ते दूसरी गल, अगर थोड़े को मक्खन नहीं है ना तो तुसी उस दे वेचो इतना ही जितना आयल डालिया ना हाफ हाफ कप तुसी ना आयल डाल दो या घी कोई चीज़ भी तुसी इस्तेमाल कर लो। इसनों आराम सुकून नाल निकल दें क्योंकि गर्म है ना तो फिर हाथ ना जले जी। इस तरह ना छुड़ा के ना तो इसनों असी तकरीबन 20-25 मिनट ना ठंडा करने वास्ते रखते हैं, तो इस वास्ते उत्ते लाण वास्ते ना वो फिलिंग तैयार कर दिया। दो चम्मच पानी दे, जैम है मैंगो, तीन चम्मच भर के इस डाल दिया। ठीक है, इसकी फिलिंग तैयार कर देते हैं जी। इस तरह ना मेरे थोड़ी ना बड़ा बर्तन है तो फिर इस तरह करके एक साइड पर ही मैं बनाती पई हाँ। ऐ अल बबल आने शुरू हो गए ना, बन के हो गई तैयार हो इस तरह गाड़ी गाड़ी ऐली चीज़ करनी आई। हूँ इसमें उतार के ना तो किसी बर्तन च डाल लेने माशाल्लाह बहुत मज़ेदार तैयार होया इसका कलर। ये वाला असी लिक्विड बनाया ना जैम का, ये असी उत्ते ला दें इस दे। माशाल्लाह जी केक बन के हो गया तैयार, बहुत मज़ेदार बनया। ये वाला बटर पेपर मैं लाया इस दे नाल नाल कट के, तो ये वाला उतार दे खूबसूरती वास्ते। तो इसकी कटिंग करके मैं थोन पहले चेक करा दिनी हाँ, फिर मेरा बेटा फिर जड़ा ते ओकट सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह
जी माशाल्लाह बहुत मज़े का बन के तैयार होया। तो मैं थान इस दी लुक भी चेक करा दिनी हाँ, बिल्कुल संपोंची मज़ेदा चेक करके थान दसदी हाँ कि मेरा किस तरह बनया। माशाल्लाह बहुत मज़े का बनया, तुसी बनया है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुसी आखसो कि कोई चीज़ बनाउणी विखाई ना जी, तुसी ना मैं तो दूसरे हैंड वाले नाल कीता ना बीटर नाल हो, तो तुसी इस नाल भी आराम सुकून नाल कर सकते हो। ते नाल जी मैं चाहनी हाँ इजाजत, अपना रखिया ढेर सारा ख्याल हो ते अपनियां दुआवां याद रखिया मेरे वास्ते मेरी फैमिली वास्ते कर दिव्या दुआ। अच्छा जी अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर न्यू अपलोड आप तक बआसानी पहुँच सके। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।